बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। आइए बच्चों, आज हम कला शिक्षा के अंतर्गत कला की छापांकन विधा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए छापा चित्रण बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। बच्चों, आपके विद्यालय में कला शिक्षा शिक्षक संदर्शिका पुस्तक अवश्य उपलब्ध होगी, जिसमें कला की विभिन्न विधाओं के बारे में जानकारी एवं बनाने की प्रक्रिया दी गई है। आप अपने शिक्षक के सहयोग से ये सब सीख सकते हैं। आज मैं आपको ठप्पा चित्रण प्रक्रिया सिखाऊंगा, आइए सीखते हैं। हमें कुछ सामग्री चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार का एक सूती कपड़ा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और विभिन्न प्रकार की रंगों को हम अलग अलग कपड़े पर लगा लेंगे। तो ये इस तरह से, एक तरह से ये एक स्टाम्प पैड हो गया है हमारा, और इसके द्वारा हमें आराम से छापा चित्र प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले मैं छोटे बच्चों के लिए बताऊंगा, कक्षा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, इसी पूरे कार्यक्रम में आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए पूरी प्रक्रिया सीख सकते हैं। तो हम छापा चित्र के बारे में आज आपको बताते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों से स्टार्ट करेंगे। पहली कक्षा के जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हम किस तरह से उनको सिखा सकते हैं, तो इस तरह के कपड़े पर आप कलर डालकर इसे गीला कर लें। कलर ऐसा होना चाहिए ज्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और ज्यादा पतला भी नहीं हो, कलर बिल्कुल ठीक ठीक सूखा होना चाहिए। दो कलर मेरे पास हैं, अभी मैं इससे आपको छापा चित्र बना के बताता हूं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारे जो अंगूठा है उससे हम छापा लेंगे। तो किस प्रकार से छापा लिया जाता है, देखिए, पहले इस तरह से अच्छे से इसको दबा लेंगे और इस प्रकार से लगा देंगे। तो देखिए छापा यहाँ पर प्राप्त हुआ है हमको। तो इस प्रकार छोटे बच्चों से हम छापे लगवाएं, तो पहली क्लास के बच्चे जो हैं वो इस प्रकार लगाते चले छापे। एक कपड़ा भी हमारे पास होना चाहिए जिससे बार बार हम हाथ को पोंछ सकते हैं और दूसरा रंग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दूसरा रंग भी ले सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, और ये लगा दिया मैंने। अलग अलग रंग से आप बच्चों से लगवाएं तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। दो कलर में हो गए, हम और भी कलर प्रयोग में ले सकते हैं। ये देखिए, ये तो हो गया कक्षा 1 के लिए। इसी तरह से आप कक्षा 2 के लिए भी कर सकते हैं। कक्षा 2 के लिए थोड़ा सा बच्चों को आप कलर दे दें इस तरह से, और उनसे अलग अलग कलर से छापे लगवाएं।
छापे का मतलब होता है एक ही ठप्पे से कई बार छापा प्राप्त करना। ये देखिए, उनसे कहें एक नीचे लगाएं एक ऊपर लगाएं, तो इस तरह से उसको समझ होगी कि एक ऊपर एक नीचे। तो इस प्रकार से कक्षा 2 के लिए बच्चे जो हैं वो इस प्रकार छापा लगा सकते हैं। ये देखिए, तो 1 के लिए इस तरह से, 2 के लिए इस तरह से। कक्षा 3 के बच्चों के लिए जो है वो उसमें थोड़ा सा हम छापे में परिवर्तन कर सकते हैं, इसको मल्टी कर सकते हैं, बार बार दोहरा सकते हैं हम इसको, या इससे कुछ डिजाइन्स भी हम बना सकते हैं। इस प्रकार से, इस तरह से ये हमने छापे लगाए हैं। इसके साथ साथ हम दूसरे कलर से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, अंगुली का प्रयोग भी ले सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार ये एक आकृति का निर्माण हो जाएगा और आगे जाके हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से ये पक्षी का रूप ले लेगा। तो इस तरह से हम कक्षा 5 के बच्चों के लिए करवा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से और भी कई आकार हम इन छापों से बना सकते हैं। हम चाहें तो इसके कई तरह से इसको हम बना सकते हैं। छापे से हम चिड़ियाएं भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक बार अंगूठे से लगाएं, एक बार छोटी उंगली से भी आप लगवा सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही इस तरह से आकार आपको बना हुआ दिखेगा। तो बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चीज है ये। इसी का आगे हम इसी चीज को बहुत बड़े स्केल पर भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के लिए मैं इसी में थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगा। बहुत अच्छी चीज है और इसको हम घर में उपलब्ध सब्जियों के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें भी आप ध्यान रखें, बड़ों की सहायता लें, एकदम सीधा काटना है। ठीक है, दो तरह से ये हमारे पास भिंडी मिल गई है हमको कटी हुई, इसके अंदर से बीज आप निकाल दें। बीज निकालने से यहाँ पर जगह आपकी खाली हो जाएगी और हमें जो ठप्पा प्राप्त होगा वो बहुत सुंदर मिलेगा। ये देखिए, मैंने 2 ठप्पे ले लिए हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर पैड के ऊपर इसको लगाएंगे और इस प्रकार ठप्पा हमारा मिल जाएगा। हम अलग-अलग कलर से इसे बना सकते हैं। देखिए, आप कई आकार इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार एक बहुत ही सुंदर छापा चित्र हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से संबंधित एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलो
देखें चित्र। तो बच्चों इस चित्र को देखिए, इसमें क्या क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ एक कंकाल यानी हड्डियां दिखाई दे रही हैं। क्या ये भूत हो सकता है या अपने हाथों को फैलाकर क्या करना चाह रहा होगा और क्यों? पीछे ये क्यों छिप रहा होगा? ये कहाँ जा रहा होगा और क्यों? लेकिन बच्चों सोचने वाली बात ये है कि ये डरावनी सूरत लेकर किसको डराना चाह रहा होगा और क्यों? ये कहानी किस बारे में हो सकती है? चलो कहानी का नाम देखें, शायद इस बात का कोई सुराग वहां से मिल जाए। कहानी का नाम है अहो भूत है। तो इस कहानी में भूत है, तभी तो मैं कहूं कि वह कंकाल भूत जैसा लग रहा था। वो क्या करता होगा? वह कंकाल जैसा है तो जरूर खाना बनाकर खाता होगा। उसके बाल को तो बिजली के तार जुड़ने में इस्तेमाल करता होगा। बच्चों आपको क्या लगता है? चलो कहानी पढ़कर देखते हैं कि जो मैंने बताया क्या कहानी में वही है या कुछ और। इस कहानी को लिखा है चंदन यादव ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं कौस्तुभ कामत ने। चलो इसे पढ़ें। एक भूत था, उसे लगता था कि वो बहुत डरावना है। वह रोज किसी ना किसी को डराता। एक दिन खूंखार शेर को डराया। देखो बच्चों शेर कैसे डरा हुआ है। एक दिन बहुत बड़े हाथी को। हाथी तो दुम दबाकर भाग गया। एक दिन लंगोट वाले पहलवान को। अरे पहलवान तो पहलवानी भूल गया। तो एक दिन मूछों वाले थानेदार को। चोर चक्कर खाकर गिर गया। थानेदार की तो बंदूक ही छूट गई। ऐसे डराकर भूत को कैसा लग रहा होगा? सोचो ऐसा करके भूत को क्या मिलता होगा? तो चलो आगे क्या हुआ पता करते हैं। लोग डर से भागते तो उसे बहुत मजा आता। किसी को डराए बिना उसे नींद नहीं आती। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी पर वह किसी को डराना भी चाहता था। भूत की तो तबीयत खराब है पर उसे किसी को डराए बिना चैन भी कैसे मिलेगा? आपको क्या लगता है बच्चों? तो सोचिए आज भूत किसको चुनेगा। चलो आगे पढ़कर देखते हैं कि भूत क्या करता है। सोचा आज चूहे को ही डराया जाए, वो जल्दी से डरेगा। भूत घर में घुसा, चूहा आराम से सो रहा था। धम धम की आवाज से चूहे की नींद खुल गई। बड़े बड़े पहलवान नहीं टिक पाए। सोचो बेचारे चूहे का क्या होगा? चलो देखते हैं। चूहा डर से कांपने लगा। कांपते हुए बोला, कौन है वहां? भूत ने डरावनी आवाज में कहा, मैं भूत हूं। ओ भूत है, मैंने सोचा बिल्ली आई है। चूहा चादर ओढ़ फिर से सो गया। ओह बेचारा भूत,
मुझे लगता है कि भूत के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। तभी तो देखो उसका रंग ही उड़ गया है, वो कितना उदास हो गया है। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी, मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह आज भी कहानी को सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए थे कुछ सवाल, और वो है, बच्चों कहानी में भूत को क्यों लगा कि वो डरावना है? सोचकर बताओ। मुझे तो लगता है कि भूत को ऐसा इसलिए लगता होगा क्योंकि उसकी हड्डियां नजर आती हैं, उसके 9 बाल हैं और वो भी ऐसे खड़े हैं जैसे बिजली का झटका लगा हो। अब दूसरा सवाल है कि लोगों को डराने में भूत को इतना मजा क्यों आता होगा? सोचिए और बताइए। मुझे लगता है इसका जवाब ये हो सकता है कि उसके डराने से लोग जिस तरीके से भागते हैं उसको देखकर भूत को काफी मजा आता होगा, या लोग उससे डर रहे थे इसलिए भूत को मजा आता होगा। आपको क्या लगता है? जब चूहा भूत के डराने के बावजूद भी नहीं डरा तब भूत को क्या महसूस हुआ होगा? भूत अपने दोस्त को उसके साथ आज हुआ किस्सा कैसे सुना रहा होगा? और बच्चों सोचो, अगर आप भूत की जगह होते तो चूहे को कैसे डराते? अच्छा बच्चों, इस कहानी में भूत सबको डराने की कोशिश करता है, क्या आपने भी कभी किसी को डराया है और क्यों? और हाँ एक बात और, आपको किस चीज से डर लगता है और क्यों? मेरे साथ ये हुआ था, एक रात बिजली चली गई थी, घर में अंधेरा हो गया था। मैं टॉर्च लेने के लिए धीरे धीरे जा रही थी, तभी सामने एक लंबी सी चीज जिसमें से हल्की हल्की सी रोशनी भी आ रही थी मेरे सामने सामने खड़ी थी। मैं तो बहुत डर गई थी, डर के मारे मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी बिजली आ गई तो देखा मेरे सामने मेरा भाई था। उसने अपने सिर के ऊपर एक स्टूल उठा लिया था और उसमें टॉर्च रखकर एक सफेद कपड़े से ढक लिया था। उसके बाद तो मैंने उसे पूरी रात बात नहीं की थी। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? सोचिए और बताइए। बच्चों इस कहानी में कौन कौन है? आपको जो पात्र पसंद आया उसका एक चित्र बना सकते हैं, और क्यों पसंद आया उसके बारे में बता भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे इस कहानी में बहुत सारे पात्र थे, जैसे भूत, कुत्ता, दूध वाला, लड़का, शेर, हाथी, पहलवान, थानेदार और चूहा। मुझे तो भूत सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि भूत सबको अलग अलग तरीके से डराता था, उससे तो बड़े बड़े खूंखार जानवर भी डर रहे थे। आप भी सोचें और सबसे ज्यादा पसंदीदा पात्र के बारे में बताएं और लिखें। अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की। याद है कहानी की शुरुआत में एक वाक्य आया था कि एक दिन खूंखार शेर को डराया, तो आज का हमारा शब्द है खूंखार। तो बच्चों बताओ, क्या आप लोगों ने भी सुना है ये शब्द? इसका मतलब होता है जिसको देखने पर डर लगे या खून पीने वाला जानवर। जैसे सोचो कि आप किसी जंगल में गए और वहां आपने एक बाघ को हिरण खाते देखा, तब यहाँ बाघ जो है वो खूंखार है, जैसे खूंखार बाघ हिरण को खा रहा था। अब देखते ही देखते एक और उदाहरण लेते हैं। एक बार मैं शाम को टहलने गई, रास्ते में हमारे कॉलोनी के कुत्ते भी साथ में टहल रहे थे। तभी दूसरी कॉलोनी से एक कुत्ता आया
और अपने नुकीले दांत निकालकर हमारे कॉलोनी के कुत्तों पर झपटने लगा। मैं डर गई, वो कुत्ता मुझे जैसे खूंखार लग रहा था। अब यहाँ कुत्ता जो है खूंखार जैसा लग रहा है। जैसे हमला करने के लिए कुत्ते ने अपने नुकीले दांत निकाले, ऐसा लग रहा था कि वो एक खूंखार जानवर है। क्या आपने भी कोई खूंखार जानवर देखा है? और अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। बच्चों, आज आपको मैं एक नए खेल के बारे में बताऊंगी। ये खेल बातचीत करते हुए नई नई बातें सीखने पर है। इस खेल का नाम है बात को आगे बढ़ाएं। इस खेल में सबसे पहले मैं आपको एक अधूरा वाक्य बोलूंगी, आपको सुनकर उस अधूरे वाक्य को अपनी बात जोड़ते हुए पूरा करना है। जैसे पहले मैं इसे करके बताती हूँ। पहला अधूरा वाक्य ध्यान से सुनो, कल बारिश में। आप जोड़ सकते हैं, जैसे कल बारिश में हम नहाए थे। अब मैं इसी से जुड़ी हुई एक बात कहूंगी, जैसे बारिश में नहाने से। तब आप इससे जुड़ी हुई बात जोड़ सकते हैं, जैसे बारिश में नहाने से हम नाचने भी लग गए। तो चलिए दूसरा अधूरा वाक्य देती हूं, सड़क पर। तब आप इससे जुड़ी हुई बात जोड़ सकते हैं, जैसे सड़क पर बहुत सारे कुत्ते हैं। कुत्तों ने। अब इस बात को आगे बढ़ाइए। है ना ये मजेदार सोचने वाला खेल? अरे वाह, क्या बात है, बच्चों सबने बहुत अच्छे से इस खेल को खेला है। आप लोग इस खेल को दोस्तों के साथ और घर में भी हर रोज खेल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों, मिलकर एक नया खेल खेलें? आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जैसे स, द, ल, म। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं, मात्रा आ, मात्रा ए। पहले अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। सा, दा, ला, मा। अब अक्षरों को मात्रा ए से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। से, दे, ले, मे। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और रोचक बनाएं। तो चलो इनको जोड़ जोड़ कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। स, द, ल, म। सा, दा, ला, मा। से, दे, ले, मे। मैंने एक शब्द बनाया, दा और ल, बना दाल। एक और, मे और ल, बना मेल। एक और बनाती हूं, दा और म, बन जाता है दाम। एक और बनाया, सा और दा, बन जाता है सादा। एक और बनाया, ला और द, बन जाता है लाद। और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे दा और दा, बन जाता है दादा। ला और ला, बन जाता है लाला। ला और ल, बन जाता है लाल। म और ल, बन जाता है माल। सा और ल,
बन जाता है साल। स ला म बन जाता है सलाम। चलो अब आपकी बारी, जल्दी से शब्द बनाओ और अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग पर। तो बच्चों, इस भाग में मैं आपको बताऊंगी एक दिलचस्प बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज हमने कहानी पढ़ी जिसमें एक हाथी भी था, तो बात भी उसी से संबंधित है। बच्चों, आपको खाना खाने में कितने मिनट लगते हैं? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा हम खाना खाने में लगाते हैं। पर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हाथी दिन भर में खाना खाने के लिए 12 से 15 घंटे लगाते हैं। वो रोज घास, पौधे, फल खाते हैं। एक बड़ा हाथी तो 150 किलो खाना तक भी खा जाता है। है ना ये एक रोचक बात? एक और बात बताऊं, हम इंसानों की तरह भी हाथी भी हर चीज याद करके रखते हैं और इसी अच्छी याददाश्त के कारण वे कभी घर को नहीं भूलते। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग पर। बच्चों, अभी तक हमने खूब सारे खेल खेले और कहानी भी सुनी। अब वक्त है कुछ अपने मन से लिखने का और कहने का। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम के सबसे ज्यादा रोचक खेल में आ पहुंचे हैं। इस खेल का नाम है चित्र में क्या क्या हो रहा है। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो। यहां आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? हाँ हाँ, सही पहचाना। यहां हाथी गुब्बारे को लेकर उड़ रहा है, बंदर गुब्बारे की दुकान, खरगोश और एक सुअर का परिवार दिख रहा है। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि हाथी को उड़ते देख सब क्या सोच रहे होंगे? खरगोश चूहा को क्या समझा रहा होगा? आपको क्या लगता है वो कहां कहां उड़कर गया होगा? क्या हाथी कभी वापस आया होगा और कैसे? इस चित्र में आगे क्या हुआ होगा? सोचो बच्चों, आपको क्या लगता है? ऐसे मुझे लगता है कि एक हाथी और चूहा मेला देखने आए होंगे, दोनों गुब्बारे वाले बंदर की दुकान आ गए होंगे, हाथी को गुब्बारे बहुत पसंद आए होंगे, तभी गुब्बारा हाथ में लेते ही वो उड़ने लग गए होंगे और नीचे उसका दोस्त चूहा हाथी को उड़ता हुआ देख घबरा गया होगा। थोड़ा ऊपर उड़ने पर उसे पूरे मेले का मैदान दिखाई दिया होगा। तभी गुब्बारे की हवा कम होने लगी होगी, जिससे हाथी नीचे की तरफ वापस आ गया होगा। क्या आप भी लिखकर बता सकते हैं कि इस चित्र में आगे क्या हुआ होगा? अच्छा बच्चों, जैसे हाथी को गुब्बारा पसंद था, क्या आप चित्र बनाकर दिखा सकते हैं कि आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है? ये भी लिखने की कोशिश करें कि आपको वो क्यों पसंद है। बच्चों, कोशिश करिए और बनाइए अपना मन पसंद खिलौने का चित्र। और हाँ, उसका नाम लिखना मत भूलना। चित्र बनाकर अपने परिवार के सदस्यों और अपने शिक्षकों को भी बताना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी को खूब आनंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी और ऐसे ही रोचक खेलों के साथ। तो बच्चों, आप करना मेरा इंतजार, मैं आऊंगी फिर अगली बार। और तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।